आज गोरखा रेजिमेंट के मेजर धन सिंह थापा की जीवन की कुछ झलकियां पेश की जा रही हैं। धन सिंह थापा लेफ्टिनेंट कर्नल बनकर फौज से रिटायर हुए और आजकल राजस्थान में रहते हैं। अच्छा तुलसीराम, यहाँ काम क्यों नहीं हो रहा? के वनु सर, ट्रेंच खोदने के लिए सामान नहीं है, इसलिए सब आराम से बैठ गए। सबको फॉलो इन कराओ। डेवलप सर। फॉल इन। सावधान, हेलमेट। श्रीमान, 20 जना अदर रैंक हाजिर हैं। कोस्तो रामरो हिनोस, आप लोग भारतीय सेना के जवान हैं और आपको इस इलाके के रक्षे के लिए भेजा गया है। और आप पे दो किस्म की जिम्मेदारियां हैं। नंबर वन,
आपको एक संतरे की तरह पहरा देना है, और नंबर दो, आपको एक जवान की तरह अपनी रक्षा भी करनी है। मैं जानता हूं आप लोगों के पास ट्रेंच खोदने के लिए गेंती और बेलचों की कमी है, और ऊपर से लद्दाख की जमीन बहुत पथरीली और सख्त है, मगर आपके इरादे बहुत मजबूत है। वैसे हम यहां लड़ने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन अगर दुश्मन ने हमारी इस जगह की शांति को भंग करने की कोशिश की तो मुझे यकीन है आप लोग दुश्मन के दांत खट्टे कर देंगे। हिंदी चीनी बाय बाय, हिंदी चीनी बाय बाय, ये जमीन हमारा है, ये जमीन को छोड़ दो। हिंदी चीनी बाय बाय, हिंदी चीनी बाय बाय, ये जमीन हमारा है, ये जमीन को छोड़ दो। हिंदी चीनी बाय बाय, हिंदी चीनी बाय बाय। दुश्मन का कुछ भी भरोसा नहीं, कहता कुछ है करता कुछ है। आप लोग पूरी मेहनत और लगन के साथ अपना काम जारी रखिए, और जितनी जल्दी हो सके ट्रेंच तैयार कर लीजिए। मूव। ये जमीन हमारा है, ये जमीन को छोड़ दो। हिंदी चीनी बाय बाय, हिंदी चीनी बाय बाय, ये जमीन हमारा है, ये जमीन को छोड़ दो। हिंदी चीनी बाय बाय, हिंदी चीनी बाय बाय, ये जमीन हमारा है, ये जमीन को छोड़ दो। हिंदी चीनी बाय बाय, हिंदी चीनी बाय बाय, ये जमीन हमारा है, ये जमीन को छोड़ दो। हिंदी चीनी बाय बाय, हिंदी चीनी बाय बाय, ये जमीन हमारा है। सर, ब्रिगेडियर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। चार्ली वन ऑफिसर स्पीकिंग, ओवर। कैप्टन, हमें खबर मिली है दुश्मन के पास भारी तादाद में ट्रक्स और वेपन्स पहुंच रहे हैं। वो लोग किसी भी वक्त हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, तुम तैयार रहना। ओवर। आप बिल्कुल फिक्र ना करें सर, हम पूरी तरह तैयार हैं। ओवर। वेरी गुड कैप्टन, गुड लक, आउट। शुक्ला, मुझे जाना ही होगा भाई। हालात ही कुछ ऐसे हैं, कभी भी किसी वक्त चीन के साथ लड़ाई हो सकती है। और देखो, एक फौजी की जिंदगी में अपने देश के लिए लड़ने का ऐसा सुनहरा मौका बार बार थोड़ा मिलता है। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपका परिवार भी है। मेरा ना सही, अपने होने वाले बच्चे का तो ख्याल कीजिए। शुक्ला, सवाल मेरा या मेरे परिवार का नहीं है, हमारे देश की रक्षा का है। तुम भगवान पर भरोसा करो और मुझे जाने दो। शुक्ला, बचपन से आज तक जिस दिन का मुझे इंतजार था वो दिन आ गया। अगर मैंने बहादुरी के साथ लड़ाई किया तो देश का सबसे बड़ा तकमा मेरे सीने पे होगा, और जब ये तकमा लेने के लिए दिल्ली जाऊंगा ना, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। अब तुम राजी खुशी मुझे यहां से विदा करो विद लॉट्स ऑफ लव एंड टेंडरनेस। ओके, ठीक है, यही अगर आपकी इच्छा है तो खुशी से जाइए, भगवान आपकी रक्षा करें। ये हुई ना एक बहादुर फौजी की बहादुर बीबी की बात। टेक केयर। ओके,
जमीन हमारा है, तुम इसको छोड़ दो। ये जमीन हमारा है, तुम इसको छोड़ दो। अजीब अजीब नारे लगाते हैं कम भक्त। गोल का हम तुम्हारा दोस्त है, भारत सरकार चाइना गवर्नमेंट आपस में बात करता है, जल्दी से कोई फैसला होगा। हम तुम्हारा दोस्त है हिंदी चीनी बाय बाय। सर ब्रिगेडियर साहब आपसे बात करना चाहते। चार्ली वन ऑफिसर स्पीकिंग ओवर। क्या पोजीशन है कैप्टन? ओवर। सर दो दिन से हम आमने सामने खड़े हैं, वो गोली भी नहीं चला रहे हैं, समझ में नहीं आता उनका प्लानिंग क्या है। सर ओवर। चाहे कुछ भी हो थापा, हमारी तरफ से पहली गोली नहीं चलेगी। नाउ फायरिंग। मुझे हर बात की खबर देते रहना। आउट। साहब चीनी कुकुरुलाई भुंदू की क्या? मन बहादुर हमें हुक्म मिला है नो फायरिंग। सर अरे हम जाता है, ये जमीन हमारा है, नहीं छोड़ेगा कल फिर आएगा। जरूर शौक से ना कल। सर दुश्मन ने हमें धोखा दिया है, वो रात में चुपचाप हमारे इलाके में दाखिल हो गया है और हमें सीरीज़ टू से अलग कर दिया है और हमारी पोस्ट पर गोलाबारी शुरू हो गई है। ओह माय गॉड, इसी बात का मुझे शक था। चलो चल 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 चल। तुम्हारे सीने पे मेडल ही मेडल होंगे, वरना वरना हम सब भगवान को प्यारे हो जाएंगे। इसके सिवा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। साथी भाई हरू, कहने को तो हम सिर्फ 20 हैं, लेकिन हम 20 400 चीनियों के बराबर हैं। और अब एक जवान एक गोली, एक गोली एक दुश्मन, और एक जवान 20 चीनी। तैयार हो जाओ।
ये ऑफिसर है, हमको जिंदा चाहिए। शाप से कहो कि श्रीज आपसे एक जवान आया है। शाप, एक घायल जवान श्री जापान से आया है। सर, तुलसीराम श्री जापान से। शाबाश, क्या खबर है वहां की? सर, दुश्मन ने हमारे सारे मोर्चों पे कब्जा कर लिया है और जो हमारे बहादुर सिपाही थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, कैप्टन थापा कैसे हैं? सर, वो बहुत बहादुरी के साथ लड़ रहे थे। मैंने उन्हें जमीन पे गिरते हुए देखा। मुझे लगता है कि वो शहीद हो गए हैं सर। ओह गॉड, मैं फॉरेन हेडक्वार्टर्स को खबर भेज देता हूँ। जवान सर, इन्हें फॉरेन हॉस्पिटल ले जाओ। हे भगवान, ये तूने क्या किया? माँ को जिंदा रखा, बेटे को मार दिया। हौसला रखो द्रौपदी बहन, हौसला रखो। होनी को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन धन सिंह के शहीद होने की खबर मुझे अपनी बेटी शुक्ला से छुपानी पड़ेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? बाबा ठीक ही कह रहे हैं माँ जी। जब तक दीदी को बच्चा पैदा नहीं हो जाता, हमें जीजा जी की मरने की खबर उन्हें नहीं सुनानी चाहिए। दीदी दीदी, क्या बात है? जीजा जी लड़ाई में मारे गए। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बाहर से भी यही बातें कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। बोलिए ना बाबा, ये झूठ है, बोलिए ना। होश में आ मेरी बच्ची, होश में आ। भाग्य से कोई नहीं लड़ सकता। मेरा भाग्य इतना खराब नहीं हो सकता। काश बेटी तेरे पास सच्ची होती। मुझे पूरा विश्वास है उन्हें कुछ नहीं हो सकता माँ जी। मेरा दिल कहता है मेरा सुहाग सलामत है, मेरे पति जिंदा है। तुम सामान के साथ नंगा पाओ हमारे पोस्ट तक जाएगा, बाकी सब लोग हमारे साथ गाड़ी में जाएगा। बोलो इनको बैठो। आप लोग गाड़ी में बैठ जाएं। साहब, अगर आप हमारे साथ नहीं आएंगे तो हम कैसे जाएंगे? कांचा समझो ना परचा। बसा बसा। अच्छा सर, चलो बैठ जा।
तो नहीं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ये लोग हमारा क्या करेंगे साहब? अरे करेंगे क्या, ज्यादा ज्यादा हमें जान से मार सकते हैं और क्या कर सकते हैं। चलो मेरे साथ एक नारा लगाओ, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तुम अपने आप को बाजुली ऑफिसर समझता है? तुमको अकेला बंद करेगा मुलो उंगली हुई तो हुई। लिप लो प्लिप, 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 लिप लो प्लिप। अभी तुम इधर अकेला रहेगा। अबे नादान, आदमी कभी अकेला नहीं होता है, उसके ख्याल उसकी यादें हमेशा उसके साथ होती है, समझे? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा सुन, हम घर कुछ चिट्ठी लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं? हाँ लिख सकता है। अच्छा तो लिखने के लिए कुछ कुछ मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा। सुन चुप, रेडियो सच उतारो, बंद कर लो इसको। टिकट लगवा के सपोज कर देना। हाँ ठीक है, ठीक है, करेगा। थैंक यू। अरे बेटी। हाँ बाबा। दिल्ली से खत आया।
उनकी कोई खबर है? हाँ बेटे, पहली खबर यह है कि कैप्टन धन सिंह को प्रमोट करके मेजर बना दिया गया था। उससे भी बड़ी खबर यह है बेटी कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेडल उन्हें परमवीर चक्र दिया जा रहा है, जिससे लेने के लिए तुम्हें दिल्ली जाना होगा। मैं क्यों जाऊँ? वही जाएंगे जिनको चक्र मिला है। बेटी फिर तुम वही बातें करनी। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? मुझे आज भी पूरा भरोसा है कि वे मुझे कुछ भी नहीं मालूम। देखो हम चीना है, तुम नेपाली हो, चीना नेपाली दोस्त है, साफ साफ बताओ। मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मैं सिर्फ हिंदुस्तानी हूँ, सिर्फ हिंदुस्तानी। तुम हिंदुस्तानी हो? अच्छा, हमने सुना है लेडी ओपल मेजर धन सिंह थापा को फलम वी चक्र मिला बोलता, वो तुम है? मैं तो कैप्टन धन सिंह थापा हूँ, वो मेजर धन सिंह थापा तो कोई और होगा। अच्छा तुम अभी अपना कमरा में जाएगा तो कल फिर हम यहाँ बैठ के बात करेगा, तुम हमसे डरना नहीं, ठीक है? के भाई तिमी हरु सांचा छु? हजुर लाई कस्तो छ साहब? बस म राम्रो छु। तुम से किसी को घर से कोई चिट्ठी वगैरह आया? नहीं आया साहब, हमने बहुत लिखा साहब, कोई जवाब नहीं आया साहब। अच्छा, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन घबराओ मत, मैंने एक बच्चे के जरिए चिट्ठी पोस्ट करवाई है। तुम लोग भगवान पे भरोसा रखो और हिम्मत से काम लेना, हमारी सरकार जरूर हमारा ख्याल रखेगा और कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है? चलो पत्थर लाओ। द्रौपदी बहन, लगता है मेरे नाना बनने का समय आ गया है। माँ जी, दीदी, जीजाजी की चिट्ठी आई, वो जिंदा है, वो जिंदा है। मुबारक हो द्रौपदी बहन, मुबारक हो, तुम्हारा बेटा जिंदा है। मुझे मालूम था वो जिंदा है, मुझे मालूम था। धन सिंह थापा, हम तुमको तुम्हारे घर से तीन कुछ खबर।
बादशाह। बाबा ये शुक्ला कहाँ है? अभी तुम शुक्ला से नहीं मिल सकते। क्यों? रीति के अनुसार पहले तुम्हारे पुनर्जन्म की रस्म अदा की जाएगी, उसके बाद ही शुक्ला से तुम्हारा दोबारा विवाह होगा। वक्त जाया मत करो, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। अच्छा तो ठीक है। कर्तव्य पालन से बढ़कर बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला करने के लिए मेजर धन सिंह थापा को परमवीर चक्र प्रदान किया गया।